आज हम सीखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंटिंग करना और रेक्टेंगल काउंटिंग करना। ठीक है, ये बहुत सारे को एग्जाम में पूछता है, तो देखते हैं। चलो, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, ये देखो यहाँ पे एक कितना ठो बॉक्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसा शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग को कर देना है, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, बाकी दोनों को ऐड कर देना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। अगर हम लोग काउंट करें तो कितना, 1 2 3 4 दिख रहा है और एक बड़ा 5 हुआ ना। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया, 14। यहाँ पे कितना स्क्वायर है, 14 स्क्वायर है। वैसे ही इसमें देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, मीन्स इसमें जो डिवीजन है वो इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल डिवीजन है तब के केस में ये वाला काम आएगा, और अगर इक्वल डिवीजन नहीं है तो उसके लिए फिर आगे इसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, तो 10 और 20 30 कितना हो गया, 55। ठीक है, इसका कितना हो गया, 55। या तो एक और फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, समेशन ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। इसके थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हो, जैसे कि इसका निकालते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर, अगर लेकिन ये इक्वल डिवीजन रहेगा तभी काम आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 × 4 3 × 4 और 2n+1 मीन्स 6+1 × 7/6। क्या है, 6। ठीक है, तो 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो बच्चा क्या है, यहाँ पे 14 है। देखो यहाँ भी 14 आया है, यहाँ भी 14 आया है। वैसे ही अगर यहाँ पे करना है तो n लेना है, मीन्स यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रखोगे, 5 5 × 6 × क्या हो जाएगा, 11/6, क्या हो जाएगा, 6 6 6 कैंसिल, क्या बचा, 55। ठीक है, आप या तो ऐसे कर सकते हो या फिर तो इस फॉर्मूले के बेस पे ही कर सकते हो, लेकिन ये वाला इजी है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर बड़ा दे दिया होगा तो ये फॉर्मूला इजी आएगा। ठीक है, आप देखते हैं, जैसे कि अन इक्वल डिविजन है, देखो यहाँ पे 1 2 3 है और इधर 2 है, मीन्स रो और कॉलम है। ठीक है, मीन्स रो 2 है, ठीक है, पंक्ति जिसको बोलते हैं, और कॉलम कितना है, 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमेशा तो मल्टीप्लाई होता है, रो इंटू कॉलम मीन्स पंक्ति इंटू स्तंभ मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग को पहले क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है, मीन्स इसमें कितना रो है, 1 और 2 है, जबकि कॉलम कितना है, 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, ध्यान देना, 2 × 3, ठीक है, प्लस 1 × 2, ठीक है, प्लस इसको क्या करते जाना है, काम करते जाना है। अब देखो 0 हो जाएगा, 0 × 1, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 प्लस 1 × 2 2 इक्वल टू 8। समझ आया। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो जैसे कि कितना रो है, 1 2 3 3 रो है, तो अब देखो इसमें कितना है, 2 3 4 5, इधर हो गया 5। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 3 × 5 + 2 × 4 + 1 × 3, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 15 + 8 + 3 मीन्स 23 26। ठीक, अब देखो इसमें अगर करें तो 1 2 3 4 है, ठीक है, और इसमें देखो 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो हम लोग को करना क्या है, 4 × 7 + 3 × 6 + 2 × 5 + 1 × 4, इसको कर दोगे तो हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा, 4 7 = 28 + 18 + 10 + 4 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 18 + 10 + 4 = 10 + 18 + 10 + 4 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10 + 14 = 10
बत्तीस, 18 और 14 32, 32 और 28 अब 32 8 40 60, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, समझ आया ना। मींस अगर इक्वल डिवीजन हुआ तो हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है, और अगर अनइक्वल डिवीजन हुआ तो हम लोग को क्या करना है, रो इनटू कॉलम में क्या करते जाना है, कम करते जाना है और एडिशन करते जाना है। मीन जैसे कि यहाँ पे देखो दो कॉलम, दो रो है, वन और टू, तो टू और कॉलम कितना टू है, और हमेशा मल्टीप्लाई जो होगा वो रो इनटू कॉलम ही होता है। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो 2 into 3 प्लस 1 into 2, इसमें कम हो गया, इसमें भी कम हो गया। अब देखो फिर रो में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसको नहीं करते हैं। तो अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 8 हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी किए हैं, देखो 1 2 3, तो 3 into 5, रो इंटू कॉलम हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस अब देखो 3 से 2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ तो कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। अगर इक्वल डिवीजन आया तो ऐसे सॉल्व करना है, और अनइक्वल डिवीजन आया तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इजी है। अब देखो रेक्टेंगल काउंटिंग देखते हैं। ठीक, रेक्टेंगल काउंटिंग के लिए हम लोग को एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तो आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं उसको फिर से एक आध क्लास बनाऊंगा जिसमें से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होना है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होता है, एन सी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे एन इक्वल टू है हॉरिजेंटल लाइन, एन इक्वल टू क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, और आर इक्वल टू है वर्टिकल लाइन। आप लोग जानते हो ना, हॉरिजेंटल लाइन ये है, वर्टिकल लाइन ये है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं, अब देखो हॉरिजेंटल लाइन कितना है, 1 2 3 मींस 3 और वर्टिकल लाइन, ठीक है, 3 C 2। ठीक है, अब इसमें कितना हो जाएगा, वर्टिकल लाइन क्या होगा, 1 2 3 मींस 3 C 2। ठीक, ऐसे होगा, ऐसे लिखते हैं कॉम्बिनेशन को। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल मींस 3 into 2। ठीक, आप आर फैक्टोरियल मींस 2 into 1, ये तो वही हो जाएगा, और एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल मींस क्या होगा, आर एन माइनस आर फैक्टोरियल मींस 3 - 2 = 1 * 1, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या होगा 3। वैसे इसका एक टोका हो गया 3, अब इसका एक टोका क्या हो जाएगा 3, मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। मींस इसमें कितना ठो रेक्टेंगल है, 9 ठो रेक्टेंगल है। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर काउंट करें तो कितना ठो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4। ठीक है, मींस 4 C 2, ठीक, इंटू 1 2 3 4 5, कितना है, 5 C 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 4 C 2 * 5 C 2। ठीक, इसमें कितना टो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 टो है, 1 2 3 4, वर्टिकल लाइन क्या है, इधर 5 टो है। ठीक, तो पहले 4 C 2 को सॉल्व करते हैं, तो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मींस 4, 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 * 3 * 2 * 1। ठीक, वैसे ही r का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 * 1 मीन्स 2 ही होगा। अब देखो इसका n माइनस r, n यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 - 2 मीन्स 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल ये भी हो जाएगा, तो 2 2 या 4 कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 6 हुआ। ठीक, अब 5 C 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 5 C 2 का क्या होगा, इंटू 5 C 2, 5 फैक्टोरियल 5 * 4 * 3 * 2 इंटू 1 करेंगे, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 5 - 2, 5 - 2 मीन्स 3 फैक्टोरियल मीन्स इंटू 3 * 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से 8 2 कट जाएगा, 8 2 2 जैसे कट जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 10 बचा, और यहाँ क्या बचा, 6 मीन्स 10 * 6 मीन्स 60। यहाँ पे कितना ठो है, 60 ठो रेक्टेंगल है। अब देखो इसकी बात करें तो इसमें कितना टो है, 1 2 3 4 5 मींस 5
सी टू ये हॉरिजॉन्टल लाइन का हो गया, वर्टिकल लाइन का 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 C2, ठीक। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 5 C2 का कितना आया था हम लोग को, आया था यहाँ पे देखो 10। अब देखो 6 C2 का निकालेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक। ये 6 factorial n factorial से और r factorial का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब n माइनस r, n मीन्स 6 − 2 मीन्स क्या हो जाएगा, 4 मीन्स 4 × 3 × 2, ठीक। अब देखो क्या से क्या कटेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, अब 3 से 3 हो जाएगा और क्या बचेगा, 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पे क्या हुआ 5 3 15 मीन्स 10 × 15 इक्वल टू क्या आया 150, ठीक। यहाँ पे कितना रेक्टेंगल है, 150 रेक्टेंगल है, यहाँ पे कितना है 60 रेक्टेंगल है, ठीक है। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एन सी आर मीन्स कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को इजीली पड़ेगा कि कितना रेक्टेंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, इसको देख के हम लोग को क्या है यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। मीन्स ये देखो 1 2 3 टू हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स 3 C2 और कितना टू है 1 2 3 टू है, ठीक। अब देखो इसमें वर्टिकल लाइन कितना टू है, 3 टू है, तो 3 C2 × 3 C2। अब देखो इसको फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग रखेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। वैसे इसको भी किए हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट किए हैं, इसमें वर्टिकल लाइन काउंट किए हैं, और जैसे 4 टू है तो 4 C2, अगर 5 टू है तो 5 C2, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना टू है, यहाँ पे 5 C, ये 1 2 3 4 5 है, 5 C2 × 6 C2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 150 रेक्टेंगल होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या है बहुत इजीली तरीके से स्क्वायर और रेक्टेंगल को फाइंड कर सकते हो।